हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स टैरो। आई होप सब अच्छी हो, खुश हो, अपने घर में खुश हो, आप लोग मज़े कर रहे हैं। एंड आप आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है जी, व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। एंड आपकी लव लाइफ में क्या नेक्स्ट क्या आने वाला है, आपके लव लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं नेक्स्ट, एंड क्या प्रोस्पेक्टिव्स हैं आपके, क्या बोला आगे लव लाइफ में क्या मिलने वाला है। ठीक है, हम चार्म्स भी देखेंगे और आपके पर्सन के इनिशियल भी देखेंगे कि लव लाइफ में आपके कौन आएगा। ठीक है, तो दो ग्रुप्स हैं, दो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल वन पर्पल, क्रिस्टल टू ऑरेंज। तो जो क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, आप उसको चूज़ कर लें। तो फिर मैं आप सबकी रीडिंग पे मिलती हूँ। हाय ग्रुप वन, जिन्होंने ये पर्पल मून सेलेक्ट किया, आइए देखते हैं कि जी क्या है आपका लव लाइफ में नेक्स्ट, क्या प्रस्पेक्टिव हैं। ऑलराइट, तो पहले हैं आपके लिए पेज ऑफ वाटर, एस ऑफ एयर, नाइन ऑफ अर्थ, टेन ऑफ अर्थ, सॉरी थ्री ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ एयर एंड सेवन ऑफ अर्थ। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो कि बहुत एयर, अर्थ एंड एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गोस एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। पेज ऑफ वाटर के साथ हमारे पास कुछ लोग पाइसेस हैं यहाँ पर। एंड यस, ऑलराइट, ये आपके सन या मून राइजिंग दोनों में मैंने आपको बताया है। तो जहाँ तक इस बात का है कि अभी आपको आपकी लव लाइफ में क्या है, तो मुझे देखें, एक तो बात यह है कि तीन कार्ड्स अर्थ साइन क्या है। अर्थ एनर्जी रिप्रेजेंट्स आपकी प्रैक्टिकल लेवल, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको क्या मिलेगा। ठीक है, इमेजिनरी बातें नहीं, एंड कोई भी ख्वाबों की दुनिया नहीं, सपनों की दुनिया नहीं, ये होती है रियल लाइफ। अर्थ के जो कार्ड होते हैं या पेंटिकल्स के, ये पेंटिकल्स के कार्ड्स भी होते हैं, तो उसमें आपकी जो नेक्स्ट लव लाइफ है मैं देख पा रही हूँ। सबसे पहले थ्री ऑफ अर्थ है, तो आपके ये जो पर्सन है, यू दिस कपल इज़ वर्किंग टुगेदर समवेयर, जिधर आप पढ़ने जाते हैं या आप जॉब करने जाते हो या जिधर आप डेली की रूटीन में आप मिलते हैं, आपके किसी आपके एरिया में रहते हो सकते हैं, तो ये पर्सन आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपसे, ये पर्सन ना बहुत स्किलफुल हो सकता है। थ्री ऑफ अर्थ के साथ ये भी हो सकता है कि ये कोई वर्कर है, जिनसे आपने कभी कोई काम करवाया हो, या कोई कोई डीलर हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी में डीलिंग हो सकते हैं, जिनसे कोई लॉयर हो सकते हैं, जिनसे कभी आपको कभी काम पड़ा हो किसी किस्म का। ठीक है, तो बहरहाल ये पर्सन मटीरियली बहुत वेल ऑफ है। नाइन ऑफ अर्थ के साथ ये इनको ना, ये बड़ा लग्जरी पसंद इंसान है, एंड स्पेंडिंग क्वाइट टाइम अलोन, इनको अलहदा रहना पसंद है, चुप करके इनको साइलेंस की लाइफ पसंद है, एंड बहुत सक्सेसफुल है एंड सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये किसी के अंडर काम नहीं करते हैं। ऑलराइट, ये पर्सन जो है आपको बहुत जल्द मिलेंगे, क्योंकि एस ऑफ एयर है, एस ऑफ सोर्स मतलब न्यू कम्युनिकेशन, न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में, न्यू आइडियाज़, न्यू इंस्पिरेशन। यस, ये ना आपको मेंटल क्लैरिटी में देगा आके इंसान। अभी जो जो लोग डाउट्स में रहते हैं एंड जो लोग परेशानियों में रहते हैं, उनकी माइंड क्लियर नहीं है, उनकी सोच जिनकी एम्बिगुअस है ना अभी, मतलब कोई ख़ास जेब में बात नहीं आती है, फैसला नहीं ले पाते हैं, तो ये पर्सन आपको फैसला लेने में हेल्प करेगा। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, ओके, आपको कोई न्यू कम्युनिकेशन मिल सकती है, ठीक है, कोई नई कॉल आ सकती है, कहीं से न्यू ईमेल आ सकती है, ऑनलाइन कुछ लोग मिले होंगे, एंड
मैं ये कह सकती हूँ कि बहरहाल ये आपको ना कोई नया somebody न्यू इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, ये पुराना पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। क्वीन ऑफ एयर के साथ एनर्जी है जी, डिसीजन मेकिंग ये भी है। देखिएगा ये फीमेल है जो भी है, ये किस तरह से इस ग्लोब को देख रही हैं हाथ में पकड़ के, एंड किस तरह से मॉनिटर कर रही हैं उसको, ठीक है। तो ये आप हो, आप इस पर्सन को बहुत मॉनिटर करके, बहुत ऑब्जर्व करके, बहुत कीनली फैसला करके इसको अपनी ज़िंदगी में आने दोगे। ऐसे ही नहीं किसी को भी आप एंट्री करा लोगे अपनी लाइफ में। ऑलराइट, तो बहरहाल आप बहुत स्किलफुल हो, आप बहुत मतलब आपको ऐसा है कि आप एक रैशनल डिसीजन मेकर हो, यू आर अ रैशनल डिसीजन मेकर, एंड आपको कोई अपनी जगह से आपका कोई माइंड नहीं चेंज कर सकता, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि वाइज हो, ठीक है। सेवन ऑफ अर्थ के साथ आपने एक सीड्स वेल प्लांट प्लांटेड अ टेम्परेरी पॉज इन एक्शन एंड नेसेसरी वरी। पहली तो बात यह है, यू आर वरिंग फॉर योर लव लाइफ अननेसेसरीली, बिकॉज डिवाइन ने, गॉड ने आपके लिए जो पर्सन लिखा है, डिवाइन डिसाइड कर चुके हुए हैं, उसके सीड्स, उसके बीज वो बो दिए गए हुए हैं, एंड यू आर ऑलरेडी ऑन योर वे, ठीक है। आप ऑलरेडी अपने रास्ते पर हो, आप ऑलरेडी अपने वे पर हो, एंड नो बडी कैन शेक यू, नो बडी कैन डिसीव यू। ऑलराइट, तो पेज ऑफ वॉन्स के साथ आपको एक बहुत अच्छी कुछ खबरें मिलेगी, ठीक है। अब ये मिलेगी कब, मुझे लग रहा है ये 3 महीने में, तीसरे महीने में या 9वें महीने में, 9th मंथ में, मतलब जो मेरे ख्याल में सितंबर का होता है उसमें यह पर्सन आपको मिल सकता है। इसकी नेचर बहुत सेंसिटिव है, बहुत फ्रेंडली है, लेकिन ये पर्सन आर्ट आर्ट आर्टिस्ट हो सकते हैं, इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, थोड़े से रिलीजियस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मैं नहीं कहती, बट ये है कि ये पर्सन बहुत ना बिजनेस, इनकी बिजनेस माइंडेड है, ये मैं आपको बता दूं, पहले मैं वार्न कर दूं कि ये पर्सन बिजनेस माइंडेड होगा, ओके। तो थोड़ा सा और हम देखें ना इधर से ज़रा कि क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशियंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। जो एंशियंट एंसेस्टर्स हैं, आपके जो गुरु हैं, आपके जो एंजल्स हैं जिनको भी आप मानते हो, वो आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन, साफ लिखा है, ठीक है। तो आपने अकेलापन फील नहीं करना, ये पर्सन जो है जब आपको मिलेंगे तो देखिए जो स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। ये जो मदर मैरी हैं, स्पेशली जो लोग यहाँ पर क्रिश्चियंस कम्युनिटी यहाँ देख रही है, उनके लिए स्पेशली मैसेज है, एंड शी इज़ द एपिटम ऑफ ब्लेसिंग, एंड स्पेशली जिन लोगों को बच्चा का मसला है, जिनको औलाद नहीं है, अभी बेटा या बेटी नहीं है, उनको इस चीज़ की गुड न्यूज़ है, एंड सेकेंडली बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपकी लव लाइफ में, ठीक है। आप को एज अ मदर डिवाइन जो देखते हैं, एज अ यूनिवर्स आपको एज अ मदर देख रही है, आप उस यूनिवर्स के बच्चे हो, चाइल्ड हो, एंड आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स डिवाइन रखी हैं, अगर आप रिसीव करने वाले हों तो, ओके। बिलोंगिंग फॉर होम, बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स, लव ये पर्सन लाइट वर्कर है, ये मैं बता दूँ, बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, ठीक है। ये आपको घर देगा, एक पूरा आपका घर होगा प्रॉपर, इनके साथ पॉसिबल है इनका अपना भी घर हो, अगर आपके पास घर नहीं है तो इनका एक प्रॉपर बहुत बड़ा घर हो सकता है, सही है। ये काफ़ी रिच है, ये मैं पहले ही बताया आपको, तो वैसे हैं ये लाइट वर्कर। लाइट वर्कर मीन जो इंट्यूटिव लोग होते हैं ना, जिनका हीलिंग का काम होता है, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, या कोई वैसे हीलर भी हो सकते हैं, स्पेशल हीलर भी हो सकता है। द एवर अनफोल्डिंग रोज, करेक्ट, ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। आपके लिए जैसे एक रोज़ फोल्ड हुआ हुआ होता है ना, उसके ऊपर एक उसकी एक कली पत्ती होती है, उसके अंदर एक पत्ती होती है, उसके अंदर और पत्तियाँ होती हैं, इस तरह से आपकी लाइफ फोल्ड की हुई है डिवाइन, एक एक पत्ती करके डिवाइन खोलेंगे, ठीक है। तो आपको प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना है डिवाइन के, यूनिवर्स के, कि किस तरह से आपका रोज़ अनफोल्ड होगा,
ठीक है, अगर आपने जल्दी की या कोई प्रॉब्लम डाली या आपने जल्दी से मतलब उस रोज़ को ही तोड़ दिया जल्दी में, तो फिर आपको पता आप महरूम हो जाएंगे, आप उस रोज़ को खो देंगे, आप उस ब्लेसिंग को खो देंगे। ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, री राइटिंग द फ्यूचर। आप अगर किसी एडिक्शन में हैं तो उसको, उस चेन को तोड़िए, हीलिंग कीजिए, अपने फ्यूचर को री राइट कीजिए, अपने फ्यूचर को दोबारा से मैनिफेस्ट कीजिए। पुरानी यादों में कुछ नहीं पड़ा, मैं दोबारा कह रही हूँ, या बहुत सारे लोग पुरानी यादों में बैठे हैं। प्लीज़ अगर किसी ने कुछ किया है आपके साथ, कोई फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, छोड़िए परे, अपनी लाइफ पर आगे ध्यान दें, लाइफ में बहुत कुछ है। ठीक है, ओके। तो अभी हम आपके ना वो देख रहे हैं चार्म्स, एंड चार्म्स देख लें ज़रा। ओके जी, ये आपके चार्म्स हैं, आई होप नज़र आ रहा है जी। तो ये इनके लेटर हो सकते हैं वी यू जी ओ आई एफ पी बी ए एच एस एम डी। ओके, तो यहाँ पर डीएम है, तो मे बी आप का इंस्टाग्राम है, कोई इंस्टाग्राम पे आपको डीएम करे, अलर्ट। यहाँ पर फिर एफ है, फेसबुक से भी आपको ये मिल सकते हैं। ओके, एंड आई है इंस्टाग्राम, पहले ही यहाँ पर आया है। ओके, कोई किसी डेटिंग ऐप पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। ये इनिशियल्स हैं, पी है यहाँ पर, कोई हो सकता है जी है, ओ है, जी ओ है, ठीक है, जी ओ वी, ये देखिएगा, तो गवर्नमेंट जॉब से भी हो सकते हैं, जी ओ वी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब से भी ये हो सकते हैं। एंड बाकी इनिशियल्स आप देख लीजिए, अगर आप किसी को जानते हैं इस इनिशियल्स में से, फर्स्ट या सेकेंड नेम या उनकी सिटी कंट्री का नेम। ऑलराइट, अच्छा जी, ये बर्ड है यहाँ पर, फ्री स्पिरिट है बर्ड की। ठहरे, मैं करीब कर दूँ आपके। बर्ड की फ्री स्पिरिट होती है, ठीक है, ये अपने आज़ादी से उड़ता है, तो इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ओके, यहाँ पर हॉर्स है, रनिंग हॉर्स, ये भी मतलब फ्री स्पिरिट को ही डिनोट कर रहा है, ये पर्सन बड़ी फ्री स्पिरिट का होगा। बुल है, एक्सट्रीम सेक्सुअल एनर्जी, बहुत वार्म हार्टेड है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। यहाँ पे ईगल है, स्टॉक करे हो सकते हैं आपको, आपके सोशल मीडिया पे या आज इधर आप ये आपको देखते हैं, ये आपको देखते हैं जब आप बैठे हुए होते हैं चोरी चोरी। ठीक है, बटरफ्लाई है, एंजल्स आर देयर, एंजल का विंग भी आया है, एंजल्स ने बहुत प्रोटेक्ट किया हुआ है आपकी लव लाइफ को, परेशान नहीं होना। ओके, यहाँ पर क्या टेडी बियर्स एंड किटीज हैं, डेफिनेटली क्यूट किड्स आपके हैं। ठीक है, यहाँ पर न्यू मून है, वैसे भी आज न्यू मून है, ठीक है, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। न्यू मून इन वर्गो है आज, फुल मून है, सॉरी न्यू मून ही फुल मून है आज, तो वर्गो में फुल मून है, तो इस न्यू मून का आना ये इंडिकेशन देता है कि आपका जो एक नया से न्यू स्टार्ट होगा। ठीक है, फुल मून जिस दिन होता है उस दिन आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत हाई पर होती हैं, स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं दे आर स्पेशली गाइडेड टू मैनिफेस्ट इन द फुल मून। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा थोड़े से डिसअपॉइंटेड भी होते हैं, डिसअपॉइंटेड नहीं मतलब थोड़ा सा होते हैं अप एंड डाउन फिर फुल मून पर ट्विन फ्लेम्स, तो वो परेशान नहीं होता, वो नेचुरल है, फुल मून डिस्टर्ब करता है इमोशंस। ओके, की है जी इनके पास, गाड़ी हो सकती है काफ़ी अच्छी, काफ़ी रिच हैं ये। बाकी ये एंजल, एंजल खुद भी आ गए, ठीक है, एंजल बहुत आए हैं भी आपके चार्म्स में, ये देखिए बटरफ्लाई, दो बटरफ्लाई है, एंजल विंग, एंजल खुद भी है यहाँ पर। कैट है जी, बहुत अट्रैक्टिव हैं आप उनके लिए, अरे एक और बटरफ्लाई है, तीन बटरफ्लाई आ गई हैं। इस बटरफ्लाई पे पता क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है अगर आप नज़र आए तो, क्रिएटेड फॉर यू,
यानी कि इस पर्सन को आपके लिए बनाया गया है। ओके, बहरहाल ये थे जी आपके चांस, ठीक है। तो ये है आपके लव लाइफ में न्यू एंट्री लोगों की, यहाँ जो भी आप समझते हैं, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। इस रीडिंग को लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे। बाय बाय एंड आई लव यू। हेलो ग्रुप टू, अगर आपने ऑरेंज वाला मून चूज़ किया था क्रिस्टल, तो आइए देखते हैं जी आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है, क्या आपके लिए डिवाइन ने प्लानिंग की है, एंड आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। रीन्यूअल, पेज ऑफ वाटर, टेन ऑफ एयर, एट ऑफ अर्थ, द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ वाटर। गाइस, मैं भी पहले आपको ये बात बता दूं कि ये जो कार्ड्स हैं इसमें मुझे एक तो ये रिन्यूअल का कार्ड है, ठीक है। अगर आपका किसी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, या कोई डिवोर्स का सिस्टम चल रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में, आपकी जो रिलेशनशिप में रिन्यूअल आए, ठीक है। और अगर यहाँ से ब्रेकअप हो भी गया परमानेंटली, तो भी आपको एक नया रिलेशनशिप, एक न्यू होप, एक न्यू रिश्ता, एक नया रिश्ता आपकी लाइफ में एंटर होगा, ठीक है। ये पर्सन अब्रॉड से हो सकता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ये घूमा हुआ होगा, बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर होगा, एंड पॉसिबल है डिफरेंट कंट्री या सिटी से हो, ठीक है, डिफरेंट कास्ट से भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये बहुत ही वर्ल्ड वाइड जो है ये इसने एक्सपीरियंस होल्डर ये इंसान है, ठीक है। एट ऑफ अर्थ के साथ स्किल्ड वर्कर है ये, एंड इसको काम करना बहुत पसंद है, एंड वर्कर बहुत अच्छा है, अपनी फील्ड का मास्टर इंसान है, एंड इसको सीखने का बहुत शौक है। पॉसिबल है कि ये कोई ऐसा हो कि मतलब अपना उनका अपना कोई एक ऐसा काम हो, जैसे कोई वुड का काम होता है, जहाँ ये स्किल्स यूज़ होती हैं, वुड का काम होता है, वुड मेकिंग, फर्नीचर मेकिंग, या टाइल्स, सिरेमिक्स, एंड और मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कोई, बहरहाल इनका अपना अपना कोई कारोबार, अपना कोई व्यापार इनका होगा किसी भी चीज़ का, जहाँ ये खुद चीज़ें बनाते हैं एंड उसको फिर सेल करते हैं, ठीक है। ओके, टेन ऑफ एयर के साथ द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एम्ब्रेस द चेंज एंड एक्सपेक्ट थिंग्स टू गेट बेटर नाउ, रिकवरिंग फ्रॉम एन एडिक्शन। तो बहरहाल आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लमेटिक फेज है या चल रहा है, या डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जो चेंज है वो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है उसको हैंडल करना, उसको टैकल करना, तो ये एक्सपीरियंस आप एक इन बेटर एक्सपीरियंस को आप देखेंगे, अपनी अगर आपको एडिक्शन है किसी चीज़ की, उससे आप रिकवरी पाएंगे। बहरहाल ये लाइफ में एंट्री इस इंसान की आपके बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेटिव होगी, आपकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट एक एंगल पे जाएगी, ठीक है। आपको एक न्यू नया आपको एक प्रपोज़ल मिल सकता है, दो प्रपोज़ल के यहाँ कार्ड, नाइट ऑफ वाटर एंड पेज ऑफ वाटर, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर चांस न्यू लव के हैं, न्यू पर्सन के एंट्री के, या अगर आपका कोई झगड़ा वगैरह चल रहा है तो उस रिलेशन का रिन्यूअल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पेज ऑफ वाटर का कार्ड यही कहता है कि न्यू पर्सन एंटर्स योर लाइफ, आर रिलेशनशिप बिगिंस अ न्यू फेज एंड हाइटेड फिजिकल साइकिक एबिलिटीज़, ठीक है। आप इंट्यूटिव बहुत हो जाओगे इनके मिलने से पहले, आपको हो सकता है सिंक्रोनिसिटीज़ होने लगे, आपको एंजल्स, बटरफ्लाइज नज़र आने लगे, आपको क्लाउड्स में डिफरेंट किस्म की शेप्स नज़र आने लगे। बहरहाल ये पर्सन आपको जब मिलेगा, आपको आपकी लाइफ में एक बहुत डिफरेंट एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा चेंज मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ओके, ये दूसरे डेक से देखें कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या आपकी लाइफ में लव लाइफ में आ रहा है जी।
डोंट डीम टू फिट इन, हाउ आर यू डीमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। ओके, आपको अपनी लाइट को डिम नहीं करना है, आपको अगर जब यह पर्सन मिले, पहली तो बात यह है कि इंसान आप में चेंजिंग नहीं चाहेगा, आपको चेंज नहीं करेगा, आप जैसे हो या आपको वैसे ही पसंद करेगा, एंड आपको इसके लिए कोई ख़ास किसी एंगल पे आपको चेंज नहीं होना पड़ेगा, एंड जैसे हो बहरहाल आप वैसे ही स्वीकार करेगा। ट्रस्ट योर पाथ, अपने पाथ पर आपको ट्रस्ट करना है। इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू? अगर आपको यह पता हो कि कोई एंजल और डिवाइन आपको सपोर्ट करते हैं, आपको वाकई पता चल जाए किसी सोर्स के थ्रू कि एंजल्स आपके साथ हैं, आपको दिखने लगे, तो आप क्या करेंगे? हैं आप वैसे कैसे चौड़े होकर चलेंगे? ऐसे ही होगा ना? तो डिवाइन ने कह रहे कि इस तरह से ही चलें, अपने ट्रस्ट पर, अपने पाथ पर ट्रस्ट करें, मेरे पर ट्रस्ट करें, हम आपके साथ हैं, चाहे नज़र नहीं आते लेकिन आपके साथ साथ हैं। ओके, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी? आपका आपको ना एक ख्याल में यहाँ पर जर्नी का बहुत आ रहा है। पहली तो बात, यहाँ तो आप जर्नी करके अब्रॉड जा सकते हैं, यहाँ पर यह है कि आपका कोई सोल पाथ है, आपका कोई सोल मिशन है बहुत सारे लोगों का, कि जो उनको कंप्लीट करना है या उनको ऐसे गाइड किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि अपना सोल मिशन कंप्लीट करें। इन अ ग्रैंड मदर ऑफ जीसस सीडिंग द लाइट लाइन फाउंडेशंस एंड डिवाइन प्लान, ये डिवाइन प्लान है इस पर्सन का मिलना, ठीक है। लेकिन यह है कि इसकी जो नींव है वो पड़ रही है, इसकी नींव रखी जा रही है, और आपके लिए लव का जो सीड है उसको बोया जा रहा है फ्रॉम डिवाइन, ठीक है। ये इनिशियल स्टेजेस हैं आपके लव के मिलने की, लेकिन यह है कि आपका जो गॉड मदर है, आपका जो गॉड है, वो आपके हमेशा साथ हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल एंड डीप हीलिंग, बहुत सेलुलर लेवल पर आपको चेंज आ रहा है एंड बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है। आप स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, आप सेल्फ केयर करते हैं, आप सेल्फ हीलिंग करते हैं, दूसरों को भी आपकी कोशिश होती है कि वो भी हील रहें, ठीक है। तो ये इस किस्म की जो एनर्जी होती है, इस किस्म की जो लव की फीलिंग होती है एंड चेंजिंग होती है, ये जो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है, और ये है कि मतलब आपको आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ। आपकी लोनलीनेस, आपकी जो अकेलापन था, वो ख़त्म हो रहा है। डिवाइन के एंजल्स ने आपको घेरा हुआ है, ये 100% मैं श्योरिटी के साथ आपको बता रही हूँ कि डिवाइन के एंजल्स ने आपको हर तरफ से घेरा हुआ है। ओके, अब हम ना आपके चार्म्स देखेंगे, ठीक है, कि आपके चार्म्स क्या है। इस पर्सन के इनिशियल्स होंगे कुछ, तो देखे आप। ऑल राइट, तो गाइज ये इनिशियल्स हैं इनके, जेड इनिशियल है यहाँ पर, एन एल, एच एम डब्ल्यू बी जेड पी ओ आर। ओके, ये इनका फर्स्ट नेम या सेकंड नेम का लेटर हो सकता है। अब आप ये बना लीजिए, पी से प्रवीण हो सकते हैं, मुकेश हो सकते हैं, राहुल हो सकते हैं, रोहन हो सकते हैं, जरीन हो सकती हैं आपकी, एंड और क्या नाम बनता है, अभिषेक हो सकते हैं, मधु हो सकती हैं, मीनाक्षी हो सकती हैं, ठीक है। इस तरह का कोई भी नाम आपको जो भी नज़र आ रहा है वो आप देख लीजिए, लैला हो सकती है कोई। एनीवेज बहरहाल ये दूसरे चार्म्स हम देखेंगे कि बटरफ्लाई है, डेफिनेटली एंजल्स की पहले भी आपको आई है यहाँ पर गुड न्यूज़ कि एंजल्स ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे एलिफेंट है,
ये पर्सन आपको बड़ी लग्जरी लाइफ देगा, ठीक है। इनके पास बड़ी सारी कार हो सकती है। यहाँ पे जी स्नोफ्लेक है, ये पर्सन किसी ऐसी कंट्री से पहले भी यहाँ पर आउट ऑफ कंट्री का आए थे कार्ड, तो आउट ऑफ कंट्री से हो सकते हैं किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, काफ़ी स्नोफॉल होती है। इंग्लैंड हो सकता है, आयरलैंड हो सकता है, स्विट्ज़रलैंड हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, नॉर्थ अमेरिका एंड चाइना हो सकता है, साउथ कोरिया हो सकता है एंड जापान हो सकता है। बहरहाल इस तरह बहुत जहाँ पर होती है स्नोफॉल वाले कंट्रीज़ है, नदरन कंट्रीज़। ओके जी, यहाँ पे हॉर्स है, यहाँ पे पपी है, वेडिंग रिंग है, ही विल प्रपोज यू, आपके लिए प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे टेडी बियर है, क्यूट लव, अनदर एलिफेंट एंड अनदर एलिफेंट, तीन गाड़ियाँ हो सकती हैं इनके पास, ठीक है। एंड टाइगर स्पिरिट, ये लियो हो सकते हैं पर्सन। शीप स्पिरिट है, ये काफ़ी इनोसेंट होंगे, ये कोई ज़्यादा चलाक इंसान नहीं है। यहाँ पर दो किड्स की, टू टेडी बियर्स हैं, टू किड्स के बेबी बॉयज इनकी आपको, बल्कि तीसरा भी है, तीन ट्रिपलेट्स की बाज लोगों को गुड न्यूज़ है, ट्रिपलेट्स, तीन बच्चे इकट्ठे एक जैसे, ठीक है। तीनों लड़के हो सकते हैं। एंड स्टार है, ये आपका मैनिफेस्टेड पर्सन है, यू विल मैनिफेस्ट हिम। एंड कैट स्पिरिट है, कोई मिस्टीरियस होगा आपके साथ जब भी आपको मिलेंगे। बुल है, लॉट ऑफ सेक्सुअल एनर्जी, बहुत ज़्यादा पावरफुल ये इंसान है। एंड आउल विजडम, आपके विजडम से इम्प्रेस होंगे, आपकी बातों से ये इम्प्रेस होंगे। ऑलराइट, तो जी ये हैं जी आपके पर्सन, ये हैं आपके चार्म्स। मुझे आपका प्रपोजल लग रहा है, यहाँ पे नाइट ऑफ वाटर भी था, तो यहाँ पे वेडिंग रिंग भी है, तो आपकी शादी पॉसिबल है, बहुत जल्दी हो सकती है, ठीक है। एनीवेज, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, रीडिंग को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए रीडिंग अपने और भी लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हेल्प ले सके, ठीक है। अपना रखें ढेर सारा ख्याल, बाय बाय एंड आई लव यू।